بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो रब्ता कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पिंदे जो हैं वो तपनियों के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो या रूटीन वाइज जो उनकी टांगों की कमज़ोरी है तो उनके लिए क्या ट्रीट है। तो जनाब, इसके मुख्तलिफ ट्रीट हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना बात करेंगे जो ज़्यादातर पिंदों के अंदर ये इश्यूज़ आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं या उसका मेन हल क्या है। वैसे तो बहुत सारे इलाज हैं और उनकी वजूहत भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर देखने में पिंदों के अंदर आ रहा है वो विटामिन D3 की कमी की वजह से ये इश्यूज़ जो है ना पिंदों के अंदर आ रहे हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो विटामिन D3 का इंट्रॉप डी के नाम से इंजेक्शन मिल रहा है, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं दूध के साथ। नहीं तो आप SG इंट्रॉप डी के नाम से कैप्सूल मिल रहा है, सेम उसी कंपनी का, वो आप ले लें, वो ज़्यादा इजीली आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो इस्तेमाल करवाएं। एक कैप्सूल इस्तेमाल करवाना है, एक वीक के बाद दूसरा कैप्सूल इस्तेमाल करवाना है, इस तरह आपने 3 कैप्सूल इस्तेमाल करवाने हैं। इंशाल्लाह ताला जितना भी ज़्यादा आपका ये टांगों का इशू होगा कवर हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा गिरता होगा, या पट्ठों आपको खिंचाव फील हो रहा है तब भी, या चलने में उनको मसला हो रहा है तब भी, इंशाल्लाह ताला 3 कैप्सूल आपने कंटिन्यू रखने हैं। या इंजेक्शन अगर इस पिलाना चाहें तो इंजेक्शन पिला सकते हैं, कैप्सूल देना चाहें तो कैप्सूल दे सकते हैं। इसके अलावा टैबलेट भी मिलती है, अगर टैबलेट देना चाहें तो डेली की आप एक टैबलेट देंगे, वो आप कम से कम 10 टैबलेट आप कंटिन्यू रखेंगे डेली की एक टैबलेट, तो जैसे आपको ईजी लगे वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका बंदा बिल्कुल सहयाब हो जाए, बहुत ही लाजवाब है, कमाल का है। वैसे बहुत सारे इसके ट्रीट होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं जो मैं जिसका रिजल्ट ले रहा होता हूं, या जो मेन जो है ना बीमारी के हवाले से जो ना मेन चीज़ कारामद होती है वो। मैं कोई फार्मूला या नुस्खा जो मुझे नहीं पता आपको, मैं ऐसी कोई चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करता, ठीक हो गया। वही बताता हूँ जो बिल्कुल 100% जो है ना कारण होती है चीज़, इसलिए जो भी मैं बताता हूँ आप बिल्कुल आंखें बंद करके इस्तेमाल किया करें। हाँ, ये ज़रूर पूछा करें कि डॉक्टर साहब, ये आप जो चीज़ बता रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है, या इसका कितनी मकदार में देनी, एक मकदार की कमी बेशी ना किया करें, ये आप कोशिश किया करें। लेकिन पूछा भी करें, ये नहीं मैं कहता यार आप बिल्कुल ना पूछा करें, पूछा करें, ज़रूर पूछा करें, और कमेंट के अंदर अपनी राय भी लाजमी शेयर किया करें, उससे ये होता है कि दूसरे दोस्तों की भी रहनुमाई हो जाती है। इसलिए इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखा करें। इजाज़त है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।